के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये वेरिएंट भारत तक न पहुंचे और इसके लिए राज्यों को कड़ी निगरानी और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र आए 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियाँ पूरी कर लें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और देश ने इससे निपटने की पूरी तैयारी भी कर ली है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है, जिसके मुताबिक अब 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी कर दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेश से आने वाले यात्रियों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया है। साथ ही पॉजिटिव रिपोर्ट वालों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट की गाइडलाइंस भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की और कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमित RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से नहीं बच पाएगा, इसलिए राज्य टेस्टिंग में तेजी लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक शर्मनाक तस्वीर दिखाते हैं जो कि बिहार विधानसभा से सामने आई है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन